हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद अल्फाज का ये बहुत खूबसूरत सा एपिसोड है। हमारा उम्मीद अल्फाज के पीछे का जो विजन है वो ये है कि आप मैं हम सब लर्नर्स हैं, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी शायर हिंदी पोएट्री स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ सीखना है, मगर वो सीखें किससे? आपके मेरे हम सब के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मगर वो पूछें किससे? शायरों कहानीकारों राइटर्स की बड़ी एक समस्या रही है कि उन्हें समाज में एक इजी एक्सेप्टेंस आसानी से कभी नहीं मिला। उसकी वजह से बहुत सारे बडिंग राइटर्स बडिंग पोएट्स बहुत सारे सोशल प्रेशर पीयर प्रेशर और पता नहीं किस किस तरह के एंजाइटी और प्रेशर्स से जूझते रहते हैं। हमें इस समस्या पर काम करना, ये जो निराशाओं का अंधेरा है उसमें एक उम्मीद की किरण की जरूरत है, उम्मीद की रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी वो किरण हम इस उम्मीद अल्फाज के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं। इस खूबसूरत से एपिसोड में हम स्वागत कर रहे हैं गौरव भैया का, जिन्होंने बात की है उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे बिहार की एक छोटी जगह से आकर इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनल ग्रोथ विटनेस की, और उसके साथ साथ कई सारे हिंदी बुक्स इंग्लिश बुक्स पब्लिश किए हैं, और अभी उनके रिसेंट बुक अमेज़न की बेस्ट सेलर बुक रही है। बहुत सारी बधाई भैया के लिए। और इसके अलावा ये टेडएक्स स्पीकर हैं, बहुत खूबसूरत बहुत रिलेटेबल लिखते हैं। अगर आप इनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर से मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस खूबसूरत से एपिसोड में आप सब मेरा साथ दें, हमारे सबके बहुत चहेते बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत विजनरी राइटर ऑथर पोएट गौरव उपाध्याय जी का। हम और हमारी टीम तो अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने लिहाज से अपने अंदाज में हमारी ऑडियंस के लिए आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे आप, तो एक बार ओवर टू यू, आप हमें बताइए हमारी ऑडियंस को प्लीज। हाँ नहीं श्योर, सी मेरी कोई ऐसी एक्सेप्शनल जर्नी रही नहीं है, बट मैं मुझे लगता है कि ऐसे जैसे बहुत ही रेगुलर लोअर मिडिल क्लास अगर आप कह लीजिए, तो जैसा कि मेरा जन्म हुआ था बिहार में, सो वहां पे मेरे पिताजी वहां बिहार का जो राजकीय बिजली विभाग है वहां पे काम करते थे, और वहां से वही बचपन के वही ड्रीम्स और ड्रीम्स या प्रेशर भी कह लीजिए कि आपको पहले इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है, यू हैव टू पिक वन ऑफ इट राइट, तो वहां से शुरू हुई कहानी। और मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था और अच्छा किया मैंने फॉर माई स्टैंडर्ड आई वुड से, तो मैंने सही समय जगह पे ठीक ठाक इंजीनियरिंग कर ली, फिर नौकरी करनी शुरू करी इन्फोसिस में, सबसे पहले नौकरी करनी शुरू करी थी। उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे अंदर क्रिएटिव जो करने का था या कुछ अलग करने का वो पहले से था, देयर वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू असाइड ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग इन माय जॉब, या मैं जो भी करना चाह रहा था पढ़ लिख कर। तो तब मैंने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स यू नो जैसे आप कर रहे हैं, मैंने भी उस समय कुछ कुछ सोशल लेवल पे या कुछ कुछ हमेशा से करता रहा, सो देयर वाज ऑलवेज दिस विजन ऑफ हैविंग माय पर्सनालिटी बीइंग 360 डिग्री राइट, आई डिडंट जस्ट वांट टू डू अ 9 टू 5 जॉब, वो हमेशा से रहा है। तो इस चक्कर में आई यूज्ड टू राइट, लिखता था, तब भी लिखता था, कई बार अंग्रेजी में लिखता था, ये सिलसिला चलता रहा। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ के कुछ सोशल वर्क करता था। बाद में जब आई वर्क इन इंफोसिस फॉर 3 years एंड देन आई डिड माई MBA फ्रॉम माइका इन अहमदाबाद, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस, और वहां पे थोड़ा सा मुझे यू नो बिकॉज आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल, वहां पे एडवर्टाइजिंग स्कूल, वहां के फिल्मों के लोग आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट सोशल इश्यूज, एंड आई थिंक आई डिड गेट अ बिट ऑफ फेयर रिकॉग्निशन अबाउट माई सेल्फ कि भाई कुछ और कर सकते हैं जिंदगी में राइट तो वहां से मैंने आई यूज टू राइट व्हेन आई वाज इन MBA, और कुछ लोगों ने वहां पर अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद लिखने का सिलसिला तो चलता ही रहा, ठीक है। फिर यू नो माय लाइफ गॉट रियली बिजी, आई वर्क्ड इन मेनी कंपनीज इन इंडिया, देन आई वेंट केम टू सिंगापुर इन 2014, और यहाँ पे फिर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, और आई ट्रैवल्ड अ लॉट, काफी सारी डिफरेंट कंट्रीज आई हैड टू
तो यूएस यूके कई जगह, मतलब जापान एशिया में कई जगह एंड ऑल दैट. सो आई ऑलवेज हैड दिस इंटरेस्ट ऑफ कल्चर और मुझे लगता है यहां से मुझे लिखने को और सीखने को बहुत मिला. तो मैंने एक्सपीरियंसेस अपने लिखने शुरू किए. अब 2018 में यू नो इट आई वुड से दैट आई वाज एट अ पीक ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग इन माय करियर. बहुत बिजी भी था एंड आई वाज इन जापान, मैं टोक्यो में था और बहुत बिजी डे था एंड आई वाज इन अ मीटिंग एंड देन देयर वाज अ प्रेशर फ्रॉम द क्लाइंट एंड अ बॉस एंड ऑल दैट. और मुझे वहां पे आई फेल्ट वेरी यू नो सिक इन द इवनिंग. मुझे लगा मैं रेलवे प्लेटफॉर्म के पास था वहां पे एंड आई हैड टू गो समवेयर इन टोक्यो और मुझे बहुत यू नो आई वाज नॉट फीलिंग वेल. एंड मैं फिर अपने होटल आया और वहां पे आई फील वेरी एंग्जियस राइट. और मुझे ऐसा कुछ फिजिकल सिम्टम्स हुए, आई ऑलमोस्ट फेंटेड एंड वो सब हुआ. तो आई नीडेड अ मेडिकल हेल्प. और उसके बाद से फॉर अ लॉन्ग टाइम यू नो इट टुक मी सिक्स मंथ्स टू रियलाइज कि आई वाज एक्चुअली अंडरगोइंग थ्रू एंग्जायटी इश्यूज. ठीक है. सो देन आई ऑफ कोर्स यू नो आई हैड दैट अवेयरनेस. आई वेंट टू डॉक्टर, मैंने जाके डॉक्टर से बात करी, दिखाया, उन्होंने कहा कि हाँ आपको एक सिम्टम होता है दैट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस एंग्जायटी. हाई परफॉर्मेंस एंग्जायटी का मतलब ये है कि आप जब यू नो यू विल लुक वेरी फाइन फ्रॉम द आउटसाइड, एक्चुअली यू विल लुक लाइक यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. तो लोगों को ये लगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स, यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड दिस इज कॉजिंग एंग्जायटी टू यू बिकॉज यू हैव अ ग्रेट फियर ऑफ फेलियर. तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने में तो मुझे वो रियलाइज हुआ एंड आई डिड गो थ्रू मेडिकेशन, आई डिड गो थ्रू मेडिटेशन, मैंने कुछ अपने चेंजेस करे लाइफ में एंड दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी कि भाई पहली बात तो यू लर्न हाउ टू लिव लाइफ राइट एंड द सेकंड थिंग इज हाउ डू यू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल. सो इट्स नॉट रियली ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ. बट जब मैंने फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिखना शुरू किया, धीरे धीरे आप जो देखते हैं मैं लिखता हूँ, लोग कनेक्ट करते हैं. There is a whole, I would say, a very big agenda behind this, right? So, kavita likhna ya jo likh raha hu Instagram pe, that just became a tool of communication for me. So, matlab ye tha ki main kaise logon tak apni baat pahunchaun. I always wanted to write in Hindi. Mere paas wo ek soft corner hai ki Hindi ke liye bhi kuch kiya jana chahiye. And you know, I feel very touched when I write in Hindi. So, ye journey pichle 2.5-3 saal mein aisi rahi hai ki then I got to meet a lot of people. Matlab main अभी भी इंस्टाग्राम का अपना प्रोफाइल खुद हैंडल करता हूँ और जितना ऑफकोर्स मैं फिल्टर करता हूँ, लेकिन जहां लगता है मुझे कि लोगों के इश्यूज है मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं नंबर भी शेयर कर देता हूँ अपना. तो मुझे उससे बहुत सीखने को मिला है. मैं दूसरों की जो भी हेल्प हो रही है तो मेरा एजेंडा ये है कि यू नो यूजिंग पोएट्री और जो भी स्टोरी टेलिंग है उसको एज अ मीडियम. बट आई एम वर्किंग ऑन अ बिगर एजेंडा जहां पे ये है कि लोगों को कैसे हाउ टू टेल पीपल टू लिव अ बेटर लाइफ. तो अब ये मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम द स्टोरी दैट स्टार्टेड इन बिहार. इट वाज ऑल अबाउट गेटिंग एन आइडेंटिटी, कुछ कर लेना, एमबीए कर लेना. नाउ दैट हैज शिफ्टेड कंप्लीटली बिकॉज आई एम नाउ इन अ मोड वेयर इन आई वांट टू गिव थिंग्स बैक टू पीपल. तो बस ये है कहानी. मतलब इतनी एक्सेप्शन नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं मुझे लगता है ऐसा. तो नहीं सर, एक्चुअली भैया कहानी एक्सेप्शनल की बात नहीं मानूंगा मैं ये कहूंगा कि बहुत सिग्निफिकेंस है इस कहानी में, क्योंकि मेरे को एक्सेप्शन से ज्यादा जो ट्रिगर चीज करती है वो है रिलेटेबिलिटी. और आपकी कहानी से इतना रिलेटेबल हो पाते हैं ना लोग, हम सब देख पाते हैं कि जैसे कि मैं ही आपको मतलब शुरू से ही भैया कह के बुला रहा हूँ, और ये अब नहीं मीटिंग में नहीं, जब से मैंने बुक पढ़ी है तब से ही. Because I could feel that, because I used to talk with my younger brothers or with my younger cousins about this stuff, जो कि मैं आपके बुक में पढ़ रहा था कि अगर मैं मतलब कोई भी इशू चल रहा है मेरी कॉलेज स्टडीज में, कोई इशू चल रहा है मेरे दोस्त के साथ, मैं शायद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो सब चीजें उस उन चिट्ठियों में उन राइटअप्स में जो आपके बुक में मेंशन है वो सब झलक रहा है उसमें. तो इसलिए ना हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और शायद ये जो कनेक्ट करने वाला फील है दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन और समथिंग. ये बहुत जरूरी है और दैट्स व्हाई एक्चुअली वी लव यू एंड वी फील ग्रेटफुल दैट या वी कुड फाइंड योर बुक, वी कुड फाइंड यू. सो एक्चुअली सोलफुल थैंक्स फॉर वट एवर यू आर डूइंग एंड फॉर लाइक हूएवर यू आर सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. नहीं नहीं शुक्रिया यार, आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप. बट आई डू अप्रिशिएट कि यू नो आई रियली फील
empowered for myself because देखिए लाइफ में मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये फीलिंग है, एंड ऑफ कोर्स पीपल कैन डिफर फ्रॉम दिस, कि मुझे ऐसा, मेरा एक पर्सनल आइडियोलॉजी ये है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू बिगर स्टफ, मुझसे भी बड़े स्केल पे जो लोग काम करते हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे ये होता है कि द बिगेस्ट पावर दैट यू कैन हैव विथ यू इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गिव इट बैक टू अदर्स. सो इफ आई कुड मेक यू फील पावरफुल एट एनी stage of life in any context, उससे ज्यादा powerful ना तो मैं किसी को पैसा देकर feel कर सकता हूँ, ना मैं you know body build करके कर सकता हूँ, whatever it is, right? तो ये एक sense of you know power भी है अपने आप में एक तरह से, कि you know what can you do actually, and I'm really amazed. जैसे Instagram पे अगर आप देखोगे, so without you know criticizing anything, but of course there is a demand for different kind of content, but I really appreciate ki bhai log meri tarah ka content bhi padh rahe hain, sun rahe hain, appreciate kar rahe hain, and this could be very effective. bilkul